भारत में जारी लॉकडाउन को करीब एक महीने होने जा रहे हैं, लेकिन बिहार में अब भी प्रवासी मजदूरों का आना नहीं थमा। राजस्थान के जयपुर से साइकिल और पैदल चलकर 157 मजदूर गोपालगंज पहुंचे। ये सभी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, सुपौल आदि जिले के प्रवासी मजदूर हैं, जो इस लॉकडाउन में फंसे थे और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो पैदल ही घर की ओर निकल पड़े। फिलहाल इन 157 मजदूरों को कुचायकोट प्रखंड के इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल सासामुसा में बनाए गए आपदा राहत केंद्र में रखा गया है, ताकि कोरोना वायरस से बचाव हो सके। यहां प्रवासी मजदूरों के खाने पीने और रहने की शिकायत मिलने के बाद डीएम अरशद अजीज और एसपी मनोज कुमार तिवारी अधिकारियों के साथ जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन डीएम के जाने के बाद आपदा राहत केंद्र में सोशल डिस्टेंस का माहौल उड़ने लगा। यहां एक कमरे में 20 से 25 लोगों की रहने की व्यवस्था कर दी गई, जहां एक बेड पर 2 से 3 बैठे हुए नजर आए। और लॉकडाउन की स्थिति पर जा नहीं पा रहे, तो हम लोग भी उनको, हम अपने बंधुओं हैं, अपने भाई लोग हैं, हम लोग चाहते हैं पूरा ख्याल इस परिस्थिति में लॉकडाउन की स्थिति में जो मैक्सिमम कर सके, खाना पीना में किसी दिन शिकायत मिली थी तो फिर हम लोग आपको ठीक किए, उनका चावल दाल और सब्जी, सब्जी में भी 5-7 सब्जी को रोटेट करके फिर सुबह में कोई शाम को अलग अलग और स्वादिष्ट हो और स्वच्छ साफ सुथरा, इस पर ध्यान रखा जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग बिहार के लोग हैं और लॉकडाउन की स्थिति पर जा नहीं पा रहे, तो हम लोग भी उनको, हम अपने बंधु हैं, अपने भाई लोग हैं, हम लोग चाहते हैं पूरा ख्याल इस परिस्थिति में लॉकडाउन की स्थिति में जो मैक्सिमम कर सके। राजू कुमार नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं पा रहा, ऐसे में अगर हमें जाँच के लिए रखा गया है तो जल्द से जल्द जाँच की जाए। यही है, अगर जांच करना है तो जांच कर दो, 2-3 रोज हम लोग रोज ही बोलते हैं जांच करवा दीजिए, हम लोग का जांच करवा दीजिए, घर जाना है और रोज ही बोलता है आज हो जाएगा कल हो जाएगा, यहाँ पर नहीं कोई डॉक्टर आता है नहीं कोई आता है और बोलता है कल हो जाएगा। मजदूरों का कहना है कि इस केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई नहीं कर रहा, यही स्थिति रही तो कोरोना कैसे खत्म होगा। ऐसे हालात में सभी प्रवासी मजदूर सहमे और मायूस नजर आए। गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी, बिहार तक।